गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस महीने में मैंने आपका कल एक कोर्स है जिसकी आखिरी क्लास हुई थी वो कंप्लीट करा दिया है, वो जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस कोर्स था। अब आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही है। बायोलॉजी में जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद दो क्लासेस आपको और शो हो रही हैं। उन दो के अलावा भी एक या दो क्लासेस में और ऐड कराऊंगा और पूरा बायोलॉजी आपका इसी महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। जो टॉपिक्स बचे हैं मेन मैं उन टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ। एक सेल है जो चल रहा है, इसके अलावा एक न्यूट्रिशन है, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके लिए। एक न्यूट्रिशन वाला बचा है, एक इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में आपका एज अ टॉपिक हमेशा पढ़ाता हूँ, एक इसके अलावा प्लांट हॉर्मोन्स बचा है और एक प्लांट मॉर्फोलॉजी बचा है। ये आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना है कि क्या बचा है। प्लांट मॉर्फोलॉजी जिसमें हम लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में समझेंगे। उसके अलावा बॉटैनिकल नेम्स, डिसीजेस, ये सब टॉपिक्स बचे हैं और लिम्फैटिक सिस्टम वगैरह बचा है। एक मस्कुलर सिस्टम, एक लिम्फैटिक सिस्टम और बचा है, ठीक है। प्रिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। फ्लावर, फ्रूट, लीफ, रूट, स्टेम, ये सब आपको उसके अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये मेन मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैं एक एटसेट्रा लिख रहा हूँ, वो उस पॉइंट पे जो जैसा सीन होगा उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। अभी बस एक रफ आइडिया आपको दिया गया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या बचा है, ठीक है। मान के चलिए इसके बाद आपकी तीन या चार क्लासेस होंगी, तो मैक्स फाइव के आसपास जा सकता है, बाकी तो लेट्स सी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जी आज हम कितना कवर कर पाते हैं। अभी आपको तीन क्लासेस शो हो रही है नीरज, बाकी क्लासेस आपकी ऐड करा दी जाएगी, उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। डाउट सेक्शन आपका बंद करा गया है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास में काफ़ी सारा कंटेंट मैं आपको पढ़ा दूँ। किसी का बहुत इमरजेंसी वाला डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन टाइप खोल दूंगा। अदरवाइज बाकी सभी क्लासेस में डाउट लेता हूँ, उसी तरीके लेते रहेंगे। इस वाली में कंटेंट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। शुरू करते हैं जी कहानी। अगर आप पिछली क्लास में थे तो आपको मैंने सेल के बारे में कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ाया था और मैंने ऑस्मोसिस आपको पूरा बता दिया था। किसी को वहाँ तक कोई तकलीफ है तो पूछ सकता है, कोई ऐसा हो जिसका वो पोर्शन कंप्लीट नहीं है तो जरा सामने आ जाए। जो कहता है कि सर अभी तो मेरा पेंडिंग है कोर्स, कोई ऐसा है, कोई होगा तो वैसे सामने नहीं आएगा, तो यही कहेगा जी अरे कोई नहीं सर, ये बताएंगे नहीं। देखिए, आपकी क्लासेस छूटी है पीयूष, आप एक बात बताइए, क्या ये आपकी बहुत बड़ी गलती नहीं है? आपके इतने दिन के बाद क्लास हो रही है, आप बताइए चिल कर रहे हैं, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा? अपने सिलेक्शन को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए। योर एक्शन शुड यू नो शो कि आप कितने सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर। पिछली क्लास का कोई रिकैप नहीं दिया जाएगा, रिवीजन आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। थोड़ी कड़वी बातें बोल रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा जाग जाए। पिछली क्लास का कोई रिवीजन आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न भी देता हूँ, क्योंकि उस क्लास में ऑस्मोसिस मैंने रिवाइज कराया था, मैंने एंड में ऑस्मोसिस का जस्ट बताया था। तो जब रिवीजन हो गया उसके बाद जो है आपकी ड्यूटी चालू हो जाती है। अभी के लिए मैं सेल वाले चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर पिछली क्लासेस छूटी है तो अंदाजे से सेल वाले चैप्टर के लिए दो पेज छोड़ के यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सेल वाले चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हेडिंग डालिए प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको सेल के अंदर क्या क्या है वो एक एक करके लिखवा रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म, कोई बात नहीं प्रद्युमन, कुछ समय के बाद ट्राई कर लेना। देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है, सिंपल भाषा में जो सेल की बाउंड्री है इसके अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। लिख सकते हैं ओडिपस, जो सेल की बाउंड्री है उसके अंदर जो मिल जाए वो प्रोटोप्लाज्म है, यानी एवरीथिंग बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। राहुल, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बेटा, ये आपको किसी और से ही पूछना होगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, आपको पोस्ट ऑफिस जाके ही मे बी किसी सीनियर से बात करनी होगी। आप यहीं से नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए राहुल, एक्चुअली देख लीजिएगा उस पर गिफ्ट लिखा है क्या लिखा है, बिकॉज उस हिसाब से जो कस्टम ड्यूटी है वो अलग अलग होती है। इन शॉर्ट, आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस, ये आपको पोस्ट ऑफिस में जाके बात करनी पड़ेगी। प्रोटोप्लाज्म इज एवरीथिंग बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो क्या ये साइटोप्लाज्म है? अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ साइटोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियस को ऐड कर दो तो क्या यही प्रोटोप्लाज्म बन गया? क्योंकि साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है जो आप इसके अंदर इमेजिन कर रहे हो, जिसके अंदर छोटी छोटी सेल ऑर्गेनलीज तैर रही होती हैं, और उसके अलावा न्यूक्लियस बचा, तो दोनों को मिला दूंगा तो प्रोटोप्लाज्म बन गया। ये SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के क्या बनता है। एक्चुअली इसमें सेल ऑर्गेनलीज भी आती हैं। सेल ऑर्गेनलीज आप समझते हैं क्या होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर बाकी सब चीज़ें जो हैं उन्हें सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज एवरीथिंग बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनली और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। रुपेश, दैट आई विल आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन, यू कैन कॉपी दिस कमेंट एंड सेंड इट टू मी एट अराउंड 12, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है क्या यही है CPU ऑफ द सेल?
क्योंकि सारा दिमाग यहीं पर है सेल का, तो क्या मैं कह सकता हूँ यही है ब्रेन ऑफ द सेल। एक्चुअली ये पेपर ऐसे घिसे पिटे सवाल पूछता है तो पढ़ाना पड़ रहा है, और इसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, यानी सेल को ये कंट्रोल करता है। नोट करिए फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में और कुछ बताता हूँ अगले पेज पे। देखिए, एक पर्सनालिटी है परकिंजे करके उसे बोला जाता है, उसका पूरे नाम पे आप जाएंगे तो उसका पूरा नाम है, एक टॉरिसिली था वेंजलिस्टा या वेंजलिस्टा टॉरिसिली, वही नाम है उसका भी, बस सरनेम अलग है। पर किंजे या सिंपली PURKYNEB ने लिख देते, दोनों तरीके लिखा जाता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये वो पर्सनैलिटी है, एक बहुत बड़े अपने ज़माने के साइंटिस्ट रहे हैं। ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, कॉइंड एंड डिस्कवर्ड इन 1839। ये ईयर जो है ये कॉइन का है, यानी नामकरण करने वाला ईयर है, डिस्कवरी का नहीं है। अच्छा अच्छा ये जलपरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली श्रेया ये एक चेक पर्सनालिटी है, चेक रिपब्लिक आपने सुना होगा, एक देश है, वहाँ के हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश नहीं चलती जैसे हम इंग्लिश में यहाँ पढ़ते हैं, तो उनकी अपनी भाषाएं हैं, तो उसमें इन्हें इस तरीके लिखा जाता है, लेकिन हम देसी तरीके ने परकिंजे करके प्रोनाउंस कर देते, परकिंजे लिखते हैं हम इन्हें सिंपल भाषा में, और वैसे इनका नाम ऐसे लिखा जाता है। पॉइंट का मतलब नामकरण करना। एक्चुअली डिस्कवरी भी 1839 की ही है, बट 1837 से ही ये डिस्कवरी का काम शुरू हो गया था, और एक डेढ़ दो साल में इन्होंने पूरे तरीके कंफर्म कर लिया कि प्रोटोप्लाज्म है, और उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, नोट कर लिया आपने। आपके लिए कीवर्ड ये है कि परकिंजे भाई ने प्रोटोप्लाज्म का नाम रखा 1839 में। अब दोस्तों, जो सेल मेम्ब्रेन है, याद रखेंगे एनिमल सेल में पाई जाती है, यस। क्या ये प्लांट सेल में पाई जाती है? जी। और दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की बनी होती है। नोट करिए, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। आज लिखने का काम थोड़ा ज्यादा है। इसी तरीके जो सेल वॉल होती है, ये एनिमल सेल के पास नहीं पाई जाती। जल्दी जल्दी नोट करिए। प्लांट सेल में पाई जाती है। अब अगर पाई जाती है तो किसी चीज की भी बनी होती होगी, सेल्यूलोस प्लस प्रोटीन। पेपर पूछेगा कि प्लांट सेल की सेल वॉल जो है ये किस चीज से बनी होती है, आप कहेंगे सेल्यूलोस से और प्रोटीन से, दोनों में से एक पूछे तो सेल्यूलोस पे टिक कर सकते हैं। एल्गी जो होता है उसके पास सेल वॉल पाई जाती है, और ये बनी होती है हेमी सेल्यूलोस से एंड कैल्शियम कार्बोनेट से, दिस इज CaCO3। और जो फंगस है उसके पास भी होती है, और ये बनी होती है मेड ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअली इनमें से काफ़ी सारा पोर्शन मैं आपको किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि रिपीट है, बट हम क्योंकि सेल एक चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है। और इन शॉर्ट आपको एक ही वर्ड में पूछे कि सेल वॉल किससे बनी है, तो आप कहेंगे जी इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। यानी अगर एक ही मुद्दे की बात पूछे तो सेल्यूलोस पे टिक करें और आगे बढ़े। ये भी ध्यान रखेंगे जो सेल वॉल होती है, दिस इज रिजिड एंड नॉन लिविंग।
ये सेल को मूव नहीं करने देती और ये ठोस होती है, कभी वो मूव नहीं करने देती। एल्गी और फंगस की जो बाउंड्री के जो सेल्स होते हैं, एल्गी और फंगस के जो सेल्स की वॉल होती है वो हेमीसेल्युलोस और काइटिन रिस्पेक्टिवली की बनी होती है। इसी तरीके जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। नहीं आयुष्मान, वो आपको पढ़ाया जाएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में, मे बी दो क्लासेस के बाद। गुड इवनिंग। काइटिन से बनी होती है सेल वॉल स्प्रूस। हेलो, अच्छा आप लोग लेट क्या हो जाते हैं? मतलब लेट होना तो मतलब आपके कंट्रोल में है, ना लेट हो तो यू शुड नॉट बी लेट इन द क्लास। दिव्या, सिंपल भाषा में सेल्यूलोस भी ध्यान रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा एसएससी ओरिएंटेड बातें लिख रहा हूँ इस वजह से हेमी सेल्यूलोस एग्जैक्ट वर्ड लिखा है। थोड़ा सा टाइम अच्छे से प्लान करेंगे क्वाजिक, बिकॉज वो काम आपके कंट्रोल में है। ठीक है दीपक, नहीं वैभव कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं इसी वजह से गैप ज़्यादा है, मैं एक एक करके सारे कोर्सेज आपके रैपअप करा रहा हूँ, इस महीने में पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करा दूँगा, चिंता मत करो। ठीक है, थोड़ा सा जीतो अच्छे से प्लान करें। सी वॉट एवर यू आर डूइंग दैट वॉज वॉलेंट्री, ऐसा नहीं है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं था, है ना, तो प्लान करिए अच्छे से। आपका यहाँ या तो पूरी क्लास छोड़ दो वो भी चलेगा, या पूरी लगा दो वो भी चलेगा। वॉट एवर यू आर डूइंग डू इट इन अ प्लान वे, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आपको जो है मैथ्स नहीं करनी है, जीके पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अप टू यू, बट मेक श्योर यू प्लान प्रॉपरली। अगले नंबर पे है जी माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में होता है क्या? जी। प्लांट सेल में होता है क्या? जी। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ये बातें इसलिए बताई जा रही है बिकॉज वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है। और ये कुछ कुछ जब आप इसे बीच में से काट दोगे तो ऐसा दिखता है। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। ये बीच वाला हिस्सा खाली है, ये वाला हिस्सा आप थोड़ा ठोस मान सकते हैं, इसमें कुछ और मटेरियल है, बीच में कुछ और मटेरियल है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और इसके बीच में क्या है, डीएनए पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए की चेन है पूरी पाई जाती है, डीएनए मॉलिक्यूल, और इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, और एक और पार्टिकल पाया जाता है इसमें, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, जिसे F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये रट्टे मारने वाली बातें हैं जी, हाँ ड्रॉ करिए। और इसे F1 पार्टिकल को हम ऑक्सीजोम बोलते हैं, प्योर रट्टेफिकेशन वाले काम पे। मैं फिर से बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है? जी हाँ। क्या राइबोसोम पाए जाते हैं? जी हाँ। क्या F1 पार्टिकल पाया जाता है? जी हाँ। F1 पार्टिकल की डिटेल नहीं पढ़ाई जाएगी बिकॉज जिंदगी में एक बार भी F1 पार्टिकल से सवाल नहीं बना है, अगर बनेगा तो जो है स्क्रीन पर उसे सॉल्व हो जाना चाहिए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर आपसे कोई आरएनए पूछता है तो आरएनए ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिशा, जो जो चीजें आपको लगती हैं कि अलग से पूछी गई है आप उसे अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, जब कोर्स खत्म होगा तो सेकंड लास्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा और वो सब चीजें आपको अलग से करा दी जाएंगी। ऑक्सीजोम इज F1 पार्टिकल प्रिया एंड अभिषेक, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली चीज है एक ऑक्सीजोम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आपसे कोई पूछता है डीएनए इज मेजरली या मेनली स्टोर्ड इन, तो इसका आंसर आप देंगे न्यूक्लियस। लेकिन अगर वो आपको ऐसा कह दे कि अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अलावा डीएनए इज स्टोर्ड इन या फाउंड इन, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। दो अलग अलग सवाल, दो अलग अलग जवाब। थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करें आप लोग, क्लास को भगाया नहीं जा रहा है, सिंपली आपको जल्दी लिखने को कहा जा रहा है। क्लास भगाने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी टाइप्ड कंटेंट दिखा देना या फिर नोट्स कह देना बाद में बना लेना, वो सब काम बिल्कुल भी नहीं करा जा रहा।
ठीक है जी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये चैप्टर एंड में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बाय दिस टाइम आपको ना काफी कुछ ऑलरेडी पता होता है, जैसे आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है तो आपको क्रेब्स साइकिल पता है, तो इसलिए एंड में पढ़ाता हूँ इसे, जिससे कि आपको ऑलरेडी पहले से सब कुछ पता हो और हम बस एक तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करते चले। जनरली ये चैप्टर कई लोग शुरू में भी पढ़ाते हैं, मैं भी कई बार शुरू में पढ़ा देता हूँ, बट मुझे लगता है कि इसे एंड पर पढ़ना थोड़ा ज्यादा फायदेमंद रहता है। ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बोले तो क्रेब्स साइकिल। ये सब रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ाया है, जाकर आप देख सकते हैं जब आपका मन करे। कोर्स अभी एंड नहीं होने वाला, इस महीने में एंड होगा, अभी 4-5-6 क्लासेस बची। एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 चीज़ें जो इसमें पाई जाती है वो बताया है, और डीएनए की फुलफॉर्म बताई है, F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम बताया है, फिर ये 2 पॉइंट बताए हैं और ये 3 पॉइंट बताए हैं। एटीपी जो है दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी सेल जब एनर्जी बनाता है तो उसकी यूनिट एटीपी में होती है, उसे एटीपी के अंदर नापते हैं कि 2 एटीपी है, 4 एटीपी है, कितना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लास्टिड्स, एक एक करके सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट स्लाइड एक बार फिर बताता हूँ ये वाली। देखिए सेल के अंदर एक जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया नामसी, जहाँ पर सेल जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है, क्योंकि वो एनर्जी बना रहा है तो वो उसका पावर हाउस हो गया, यानी जहाँ से उसे पावर दैट इज एनर्जी मिलती है, और वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है सेल के अंदर, तो इसलिए हम उसे सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन का इलाका कहेंगे। एनर्जी जो बनती है वो एटीपी में बनती है, जैसे 1 एटीपी 2 एटीपी, जैसे आमतौर पर हम जूल में चीज़ों को नापते हैं एनर्जी में, ऐसे यहाँ पर जो है वो एटीपी में बनती है, और इसलिए उसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए प्लास्टिड के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन वैसे तो फोटोसिंथेसिस है, बट वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक बताता हूँ। प्रोवाइड्स कलर टू द प्लांट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। प्लास्टिड मेनली 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, नाम से आप समझ गए होंगे क्लोरो है, तो मैं इसको जो है ग्रीन प्लास्टिड भी कह सकता हूं, यानी ग्रीन कलर के प्लास्टिड। अब ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड क्यों होते हैं, बिकॉज दे कंटेन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, देखो मेरे पास एक थैला है, एक पैकेट है जिसके अंदर सिक्के डाले हुए हैं, तो वो जो थैला है, जो पैकेट है, जो बैग है, वो है क्लोरोप्लास्ट, और जो अंदर सिक्के डाले गए हैं वो है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इससे उल्टा नहीं है, समझ गए। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में फर्क, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक कलर है, कुछ भी मान लीजिए, जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है तो दिस इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और क्योंकि ये साइट फॉर फोटोसिंथेसिस है तो हम कह सकते हैं कि पेड़ में खाना यहाँ पर बनता है, इसलिए दिस इज किचन ऑफ द सेल। किचन और पावर हाउस में फर्क है, पावर हाउस का मतलब एनर्जी बनाना, किचन का मतलब ग्लूकोज बनाना या फूड बनाना, जिसका इस्तेमाल कोई और कर सकता है। नोट करिए,
स्वागत है जी। दूसरे नंबर पे जो है वो है क्लोरो के बाद क्रोमोप्लास्ट। मैं कुछ शब्दों पे ज्यादा जोर देता हूँ, जान के ऐसा करता हूँ, जैसे मैं क्लोरो को काफी तेज और क्लियर बोल रहा हूँ, क्रोमो को तेज बोल रहा हूँ। बस यही फर्क होता है कि इंसान और किताब में, कि जब दिमाग में ऐसे शब्द जाते हैं थोड़ा सा लाउडली तो चीजें छपती हैं। क्रोमोप्लास्ट में है बाकी सारे कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। और ये करता है क्या, प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट्स फ्लावर्स एक्सेप्ट। तीसरे नंबर पे है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये, जैसा आप नाम से भी देख पा रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट और वाइट से कलर के होते हैं, यानी दिस इज ट्रांसपेरेंट टू वाइट। और ये इनका जो, ये इनकी जो लोकेशन है वो है रूट्स एक्सेट्रा, मेली रूट्स। और इनका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज। ये पेपर इतना नहीं पूछता, मेनली जो है क्लोरोप्लास्ट वाला सवाल आता। लास्ट पॉइंट में रिपीट करता हूं, देखिए प्लांट में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे चीजें स्टोर होती हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट में चीजें स्टोर होती हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर वो तो पैरेन्काइमा में स्टोर होती है। आपको समझना होगा कि पैरेन्काइमा टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल होते हैं और सेल के अंदर होती हैं ये प्लास्टिड्स, जिसमें एक तरीके की है ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर मैं पेड़ की जड़ों पे ध्यान दूंगा या बाकी स्टोरेज वाले हिस्सों पे ध्यान दूंगा, वहां पर क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा पाए जाएंगे, यानी वहां पर चीजों की स्टोरेज ज्यादा होगी। अब ये क्या स्टोर करते हैं, ये स्टोर करता है स्टार्च प्रोटीन लिपिड्स। ये तीन चीजें मेनली स्टोर करता है, स्टार्च प्रोटीन और लिपिड्स। सेल के अंदर का खेला है ये, सेल के बाहर का नहीं, सेल के अंदर हो रहा है ये। जो पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा वो सब टिश्यूज हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये सेल के अंदर का खेल है। यानी मैं कह सकता हूँ स्टोरेज एक तो वैक्यूल करता है, आगे जाके लिखवाऊंगा, उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट भी करता है। क्या मैं देसी भाषा में इसे कलरलेस प्लास्टिड कह सकता हूँ, ये एक्चुअली पेपर का सवाल है तो अलग से लिखवाना जरूरी है। तीनों चीजें सेल के अंदर है श्याम, हम इस समय जो पढ़ रहे हैं सेल के अंदर जूम करके देख रहे हैं क्या क्या पाया जाता है, ये तीनों ही चीजें पाई जाती है। मैंने प्रोटीन के बाद लिपिड्स लिखा, LIPIDS, लिपिड्स बोले तो फैट जैसी चीजें। सेल के अंदर तीन आइटमें हैं, क्लोरो क्रोमो ल्यूको। हर सेल के अंदर अगर वो प्लांट सेल है तो तीनों पाई जाएंगी, किसी में कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं पत्तों में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, लेकिन क्या आपने वो कुछ पत्ते नहीं देखे जो जामनी रंग के होते हैं या हल्के ऑरेंजिश कलर के भी पत्ते आते हैं, इसका मतलब उन पत्तों में क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन साथ में हो सकता है क्रोमोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा हो। समझ पा रहे हैं, अपने को डेटा अच्छे से याद करना है, पेपर लायक काम हो जाएगा। वो आगे चल के सामने लिखवाऊंगा क्या क्या स्टोर होता है उसमें, एक्चुअली सब चीजें स्टोर हो सकती है। अगले नंबर पे लाइजोसोम, ठीक है जी, अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले लाइजोसोम का काम है साफ सफाई रखना। जैसे आपके शहर में एक नगर निगम करके होगा, MCD या जैसे भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे भी आपके इलाके में उसे जाना जाता होगा, इसका कुछ कुछ वैसा काम है। यानी जो सेल में काम का नहीं है वो हटा दिया जाए, और अगर ऐसा कुछ आ गया जो ज्यादा खतरनाक है तो सेल को खत्म कर दिया जाए। तो मैं लाइजोसोम की अगर आपको एक सिंगल लाइन में फंक्शन समझाने की कोशिश करूं तो वो है, इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स टू डिस्ट्रॉय वॉट एवर इज नॉट नीडेड या वॉट एवर इज यूजलेस। यस कशिश, बिकॉज वो ब्रीथ कर रहा है, बस मात्रा कम होगी, ठीक है। प्लास्टिड के बाद वाला पॉइंट है ये, या ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्टिड के बाद वाला पॉइंट है। जैसे कि एक सेल ऑर्गेनली ये पढ़ाई गई है, अब अगली सेल ऑर्गेनली पढ़ाई जा रही है। इसका फंक्शन है जो काम का नहीं है उसे हटा दो, और इसके अदर नेम्स, इसे डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, सेल के अंदर एक ऐसा छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो सेल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। अब अगर सेल उसके कंट्रोल में चला गया तो वो आसपास के सेल्स को भी कंट्रोल करेगा और धीरे धीरे ट्यूमर या फिर कैंसर बना देगा। तो हमारी बॉडी में एक लाइजोसोम नाम की चीज़ पाई जाती है, और सेल के अंदर छोटा सा एक पार्टिकल मान लीजिए, जो क्या करता है, इस चीज़ को जज करता है कि अगर ये खतरनाक है तो वो सुसाइड कर लेगा।
जैसे बॉर्डर पिक्चर में सुनील शेट्टी पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने के लिए अपने हाथ में ही माइन लेके टैंक के पहिए के पास कूद गए थे, ठीक उसी तरीके ये क्या करेगा, अपनी कुर्बानी देकर, उस एक सेल की कुर्बानी देकर आसपास के सेल्स को बचा लेगा। मैं मूवीज थोड़ा डिटेल में देखता हूँ इस वजह से मुझे चीज़ें याद हैं, आपने अगर नहीं देखी तो रिलैक्स करिए। सुसाइडल बैंक इसे कहते हैं और सेलुलर हाउस कीपर कहते हैं। बॉर्डर मूवी है, बड़ी बढ़िया मूवी है। गार्बेज अच्छा राजना, डिस्पोजल सिस्टम और स्कैवेंजर ऑफ दिस सेल। स्कैवेंजर आप समझते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल बच गए उसे खा लेगा जिससे कि सेल साफ सुथरा रहे। क्लास में फोकस करें। स्कैवेंजर्स आपने कभी थोड़ा फूड साइकिल फूड चेन वगैरह समझी है तो आपने उसमें शायद देखा होगा जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो जब जो मेन मेन दावत पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे जीव जंतु एक्ट करते हैं और उसे पूरे तरीके धरती में समा देते हैं। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है बिकॉज अगर वो नहीं होंगे तो बीमारियाँ फैल जाएगी, उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं सिंपल भाषा में। और ऐसे ही सेल के जो स्कैवेंजर्स हैं वो ये नहीं नहीं रुपेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल रुपेश कैंसर के एग्जैक्ट कॉजेस नहीं पता, हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि स्मोकिंग से होता है या फिर इस वजह से होता है उस वजह से होता है, एग्जैक्टली कैंसर क्यों होता है किसी को नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी में लाइसोसोम्स नहीं होंगे, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स स्ट्रेस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट आंसर इज नो, क्योंकि ओडिपस कभी कभार क्या होता है भले ही उस एक सेल को खत्म कर देता है वो चीज़ पहले ही बहुत जगह फैल चुकी होती है। एक्चुअली सी बायोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना इजी नहीं है जितना मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये आठवीं या नौवीं क्लास का डेटा है, ये नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का डेटा है। तो एक्चुअली डेटा इससे ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो आपको डॉक्टरी करनी पड़ेगी एक्चुअल डेटा में जाने के लिए। ये सिर्फ SSC का पेपर क्लियर कराने के लिए बातें करी जा रही है। अगले नंबर पे है जी राइबोसोम। अपने को माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं बनना है, बनना भी है तो इस कोर्स से नहीं बनना है, अपने को सिर्फ पेपर क्लियर करना है तो जो SSC पूछता है वो पढ़ाया जा रहा है। ये करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। फाउंड इन सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, छोटे छोटे दानों के रूप में पाया जाता है। ग्रेन इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ग्रेन और राइबोसोम का कनेक्शन बन जाए। Also known as pallid particles. Made up of RNA and ये pallid particle क्या चीज है जी? एक personality थी जॉर्ज पैलेट नाम की, ये पैलेट जो लिखा है आपके सामने 1955 में उन्होंने डिस्कवर करा था। ये जॉर्ज भाई ने, जॉर्ज पैलेट डिस्कवर्ड राइबोसोम। उससे पहले अपने को पता ही नहीं था कि राइबोसोम नाम की चीज होती है, तो उन्हीं के नाम में उन्हीं के याद में हम इसे पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खोज कर दी तो आपके नाम पे उस पार्टिकल का नाम रख दिया, इतना सही है बस। इट इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन, RNA की फुल फॉर्म लिखवाई जा चुकी है। अब कभी कभार क्या होता है दोस्तों, दिस RNA सॉरी राइबोसोम्स आइदर गेट अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ, और आर स्कैटर्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। आप समझ पा रहे हैं
सेल के अंदर या तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स तैर रहे होंगे, धक्के खा रहे होंगे, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की एक चीज होती है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर बनाती है, उससे जाके चिपक जाते हैं। अब मान लेते हैं वहाँ पर बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम चिपके हैं, उसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि छोटे दानेदार रूप में होते हैं, जिसपे नहीं चिपके उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसे अभी लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। और आर स्कैटर्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। प्रोटीन वो सिंथेसाइज होता है, सेल को जो प्रोटीन चाहिए होता है वो बनता है। और आर स्कैटर्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म कह सकते हैं हमें, बिल्कुल। अगले नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीधा लिखवा देता हूँ, एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूल। देखिए, आपने पिछली क्लास में एक डायग्राम देखा था जिसमें न्यूक्लियस था और उसके चारों तरफ कुछ ऐसी लेयरिंग सी बनी हुई थी, जैसे अगर ये न्यूक्लियस हो तो यहाँ छोटी छोटी ऐसी लाइनें सी बनी हुई थी, यही लाइनें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। और इसके जो फंक्शन है इसे शॉर्ट में ER कहते हैं, वो है कैल्शियम का स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या आप समझ पा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज इसके ऊपर चिपका हुआ है राइबोसोम, ठीक है जी। और इसके बाद दो तरीके का होता है ER, स्मूथ ER, ये होता है विदाउट राइबोसोम, और इसका काम होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड बोले तो इन शॉर्ट फैट, फैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। और एक दूसरा होता है रफ ER, ये होता है विद राइबोसोम, ठीक है। ये है प्रोटीन सिंथेसिस, आप इसे नोट करिए जब तक मैं डायग्राम आपको पेश करता हूँ आपके सामने। आपने नोट तो मैं डायग्राम दिखाऊं। देखिए स्क्रीन पर कई सारे डायग्राम्स आएंगे, सबके सब एक जैसे हैं। इन शॉर्ट प्रिया, लिपिड का सीक्रीशन जो फैट है उससे एसोसिएटेड होता है ये ER। अब आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, ये गोला, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है हिमांशु, दोनों इसके चारों तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो पास वालों के ऊपर छोटे छोटे दाने चिपके हुए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं दाने ही राइबोसोम है? और कई ऐसे हैं जिसके ऊपर ये नहीं चिपके हुए, तो ये जो जिसपे नहीं चिपके स्मूथ हो गया, जिसपे चिपके हैं ये रफ हो गया। और यही दाने जो इस पे चिपके हैं वही दाने अकेले भी पड़े हैं। दोनों को इस डायग्राम में राइबोसोम के नाम से दर्शाया गया। देखिए सेल में होता बहुत कुछ है, कोई लिमिट नहीं, जैसे कि यहाँ पर आप इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये वो, कोई लिमिट नहीं। अपने को मेनली वो पढ़ना है जो SSC पूछता है। आगे चलते हैं, क्या आपको समझ आ गया ER वाला खेल? आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियस। देखिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। पेपर पूछ चुका, ये सेल का न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस नहीं है। एटम का न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड वाला, वो वाला है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होगा। क्या इसके पास अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? जी हाँ, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं। क्या DNA होता है? भर भर के होता है जी। न्यूक्लियस इज फिल्ड विद न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं,
उसके अंदर भरी हुई चीज को साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ऐसी क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो उसमें साइटो की जगह न्यूक्लियो लिख गया, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम बन गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ यहाँ पर और क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल, इज फाउंड इन न्यूक्लियस। कह सकते हैं दिशा, फ्लूइड कह देना ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे। Which is later converted into chromosomes. Nucleus के अंदर क्रोमेटिन मटीरियल पाया जाता है जिससे बनते हैं क्रोमोसोम। क्रोमेटिन क्या होता है आगे चल के समझाऊंगा। एक्चुअली क्रोमेटिन वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जिससे सेल जब कॉपी होता है तो सेल की जो इंफॉर्मेशन है खत्म नहीं होती। बेसिकली जब देसी भाषा में बोलते हैं ना, डीएनए, क्रोमोसोम, इंफॉर्मेशन, जीन्स, वो सब चीजें हैं एक तरीके से। अब ये ध्यान रखेंगे, अ सेल कंटेनिंग मोर देन वन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड पॉली न्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर सेल। एक सेल के पास एक से ज्यादा भी जो है न्यूक्लियस हो सकते हैं। ऐसा हर सेल में नहीं होता, बट कुछ तरीके के सेल्स हैं मेनली जो मल्टी न्यूक्लियर कैरी करते हैं। मल्टी सेलुलर वर्म समझाने में डिटेल में लिखो, अगले पेज पे लिखता हूँ मैं कि वो कौन से सेल है जो जनरली मल्टीपल न्यूक्लियस कैरी करते हैं। स्क्रूज ऑलरेडी शोन इन दिस टिश्यू चैप्टर, मसल याद करो वहां पर लिखवाया गया होगा। कुछ नहीं है, एक सेल इमेजिन कर लो, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार, ऐसे करके इमेजिन करो। सच में इतना ही है। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी पॉली न्यूक्लियर सेल्स, दोनों एक ही बात है, पॉली न्यूक्लियर और मल्टी न्यूक्लिएटेड, दोनों में से जो नाम देखिए आप टिक कर सकते हैं। मेनली इसके अंदर जो कवर होता है वो है हिपेटोसाइट्स, लीवर के सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स, CLASTS, बोन्स, स्केलेटल मसल्स, और भी कुछ होते हैं बट अपने लिए काम के नहीं। चलो वहां तक की कहानी पहुंच गई। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, देखो ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, ऐसे ही अगर आप जूम करके न्यूक्लियस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखोगे तो आपको न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज मिलेगी जो न्यूक्लियोलस है, यानी न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस आप इसे कह सकते हो, सोच के देखो जरा। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियोलस, ठीक है जी। ये क्या है, फाउंड इन न्यूक्लियस, कैन बी ओनली वन और मोर, दिस इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक्चुअली दो ही चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमेटिन मटेरियल। मैं जानता हूं ये डेटा आपको समझ में कम आ रहा है, कोई बात नहीं, मजबूरी है, पढ़ना है, पढ़िए, खत्म करिए और निपटाइए, जो बात साफ है।
वो सब पढ़ रहे हैं जो जिंदगी में देखा ही नहीं और कभी देखेंगे नहीं, बट क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कह रहा आपको डॉक्टरी करनी है, सिर्फ पेपर क्लियर करने लायक पता होना चाहिए। इट कंटेन्स प्रोटीन एंड आरएन। भी बताता हूं जीतू। अब दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, एक तो है न्यूक्लियोलस जिसके अंदर भरा पड़ा है आरएनए और प्रोटीन, एक है क्रोमेटिन मटेरियल जो कुछ पेजेस पहले हमने देखा था, आगे जाके क्रोमोसोम बनते हैं जिससे। तो जो इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है एक सेल से दूसरे सेल में, उसमें मेन रोल होता है क्रोमेटिन मटेरियल का, यानी आगे चल के जो क्रोमोसोम बनता है उसका। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है डीएनए। मैं देख लेता हूँ लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन न्यूक्लियस या पर न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी कैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स इसमें पाया जाता है डीएनए। डीएनए के अंदर होती है वो इंफॉर्मेशन, इट कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और साथ में पाए जाते हैं प्रोटीन्स। बिल्कुल दीपक, लेकिन मेनली न्यूक्लियस में होता है। और एक कौन से प्रोटीन होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हिस्टोन्स बोला जाता है। सिर्फ पेपर पूछेगा उतना पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, पेन अटक गया है, ना जाने क्यों। फोर न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन डीएनए। डीएनए के अंदर चार न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, इनके नाम रट्टे मार के जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ये याद करना है जी, और गुआनाइन। ये चारों नाम मेरे कहने से रट्टे मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप डीएनए की फुल फॉर्म जानते हैं रुपेश, वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है नितेश। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब उसमें कोई न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड का जो बेस होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। कोई भी न्यूक्लियो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से, कॉम्बिनेशन से। जैसे कि अमीनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन बनता है ना, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स सच एज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आप बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे व्हाई डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है दीपक, सुनने में एक जैसी है मैं मानता हूं, बट वो अलग है, ये अलग। अब ना कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि आपने मुझसे पूछा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मैं बोलूंगा न्यूक्लियोटाइड जो है इज इक्वल टू न्यूक्लियो साइड विद अ फॉस्फेट ग्रुप। अब ये क्या गलत बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, टॉर्चर है ना ये, तो
कोई सेंस थोड़ी है इन बातों का, ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई। अभी न्यूक्लियोटाइड बताया, अब मैं न्यूक्लियोसाइड पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं न्यूक्लियोसाइड पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो मैं कहूंगा इसमें नाइट्रोजन का बेस होता है और नाइट्रोजन के बेस के साथ इसमें जो है प्यूराइन पाया जाता है। कोई सेंस नहीं है, अपने को सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारा पेपर पूछता है और बस दूर से नमस्ते करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर भी मेरे मन में आई एक लाइन तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, क्या पता कहीं पे काम आ गया, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, ये बने होते हैं मेड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, बस चलें जी आगे। अभी इसमें और चीजें हैं, राइबोस वगैरह मैं बता सकता हूँ, कोई कोई सेंस नहीं है, आगे बढ़ते। अब आ जाते हैं बचकानी बातों पे, नोट करिए पहली वाली स्लाइड। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो आप सब जानते हैं कि ह्यूमन सेल में तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब आपको बताता हूँ, नोट करिए। ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल्स कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 23 × 2 = 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इस 23 × 3 में जो 22 × 2 है दैट इज 44 है, ये है ऑटोसोम्स, यानी ऐसे ही चलेंगे चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। साथ में 1 × 2 जो है दैट इज 2, ये है सेक्स क्रोमोसोम्स, ये मेल में और फीमेल में अलग अलग होगा, मेल में होगा एक्स वाई और फीमेल में होगा एक्स एक्स, और यही डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर एक्स एक्स और एक्स वाई इनका कॉम्बिनेशन हम बैठाते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स वाई आएगा। स्लाइड दिखा देता हूँ, चिंता ना करें, मैं जब तक आपको समझा देता हूँ। प्रिया, हमारे हर सेल के अंदर ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 जोड़ों का मतलब क्या, 46 यानी 46 हो गए, शाम ध्यान से समझना। मान लेते हैं एक जोड़ा ऐसा दिखता है, दूसरा जोड़ा ऐसा दिखता है, तीसरा जोड़ा ऐसा दिखता है, ऐसे करके 23 जोड़े हैं। इसमें जो जोड़ा नंबर 1 से जोड़ा नंबर 22 है ये सब में सेम होते हैं, मेल फीमेल सेम होते हैं। जो 23rd है अगर वो एक्स और वाई है अलग अलग है तो वो पर्सन मेल है, अगर ये सेम है एक्स एक्स है तो वो पर्सन फीमेल है, यानी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज क्रोमोसोम नंबर 45-46 जो है वो जो है बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब अगर एक ऑफस्प्रिंग की हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल के मिलने से जो है एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो अगर मैं कॉम्बिनेशन बिठाता हूँ तो 2XX और 2XY बनेंगे, यानी 50% चांस है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बॉय होगा और 50% चांस है कि वो गर्ल होगा, होगी, ठीक है। और एक्स वाई की वजह से ही है कि वो एक्स एक्स है या एक्स वाई, बिकॉज फीमेल बॉडी में तो दोनों एक्स है, तो फीमेल कैन नॉट डिटरमाइन द सेक्स दैट इज जेंडर ऑफ द बेबी। यस, हर सेल में कशिश 23 पेयर, तो इसका मतलब ये है कि फादर डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द बेबी। When I say determines, it does not mean it, he does it voluntarily. अपनी मर्जी से नहीं करते वो, मतलब फादर पे डिपेंड करता है। ये determines क्यों लिखा है, बिकॉज एक बार SSC ने ऐसा सवाल बना दिया था, उसमें फादर मदर दादी ऐसे एक आध ऑप्शन बना दिए थे, तो मतलब आपको चूज करना था फादर वाला बेसिकली, नहीं हाँ ये ग्रैंड मदर ऑप्शन में था इसलिए याद है मुझे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो पहले 22 हैं वो जोड़े हैं, यानी 22 जो है वो पेयर्स हैं, और पेयर्ड क्रोमोसोम को हम बोलते हैं डिप्लॉइड्स, डिप्लॉइड, डी का मतलब दो, हैप्लॉइड एच का मतलब हाफ, यानी हाफ अलग है हाफ अलग है। ये एक पेयर जो है हमारी बॉडी में ये अनपेयर्ड होता है, ये हैप्लॉइड, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बाकी सभी हमारे सेल्स हैं या बाकी क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉइड है, और एक जो है वो सेक्स वाला जो है वो हैप्लॉइड।
कर्सर हटा, ठीक है चलो। अगली हम सेल ऑर्गेनली पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम्स, नोट कर लीजिए कोई है गया तो। आज बड़ी कमाल की बात है, डाउट नहीं है कोई, बड़े कमाल, मैंने ये तोहफा खुद को दिया है। चलो चलो एक काम करते हैं, आपको ब्रेक जो है मैं देता हूँ करीब 10 मिनट के बाद, मैं एक्चुअली इसमें 3-4 पॉइंट आपको और लिखवाऊंगा, उसके बाद एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है, वो न्यूट्रिशन होगा, बढ़िया चैप्टर, बहुत आसान है, मजे मजे में खत्म हो जाएगा। मैं आपको 3-4 बातें और बताऊंगा, उसके बाद जो है जैसे सेंट्रोसोम बताऊंगा, एक गोल्जी बॉडीज करके होती है वो बताऊंगा, और बस उसके बाद ब्रेक देते हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए हम फोकस करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर ब्रेक मिल जाएगा। चलो अगली हेडिंग आप डालेंगे सेंट्रोसोम्स। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस छोटे छोटे फैक्ट से ध्यान रखना, कोई मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं चढ़ी होती। ये आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार, सेंट्रोसोम्स ये देखेंगे आप, देख पा रहे हैं यहाँ पर आप सेंट्रोसोम्स, कुछ ऐसे पतले पतले पाइप के जैसे हैं, इफ़ यू आर एबल टू सी दिस सेंट्रोसोम, पतले पतले पाइप के जैसे हैं, इसी को मैं जो है आपके सामने बनाता हूँ, कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम्स की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और इनका जो फंक्शन है वो है सेल डिविजन, हेल्प्स इन सेल डिविजन। और एक और बात, फाउंड ओनली इन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, इन प्लांट सेल्स द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स इज परफॉर्म्ड बाय, वहां पर एक पोलर कैप्स नाम की चीज होती है, उसके द्वारा यह काम करा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सिर्फ उतना बताया जा रहा है जितना पेपर में पूछ सकता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन पाइप से आप जो है मैंगो शेक पिए या मिल्क शेक पिए, बस डेटा पढ़िए, पेपर में टिक करिए और सिलेक्शन ले लीजिए। गोल्जी बॉडी से पहले एक वैक्यूल और बताऊंगा, दो चीजें बताती हैं, पोलर कैप्स, इन शॉर्ट ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो सामान है उसे भर दो। घर में एक स्टोर रूम होता है ना, वो स्टोर रूम जनरली क्या होता है कि हमारा कमरा स्टोर रूम बन जाता है या एक ऐसा कमरा होता है जिसमें कुछ भी सामान है वो भर दो। तो अगर कमरा ऐसा नहीं है तो जनरली जाल वाली तरफ का जो इलाका होता है जहाँ से वेंटिलेशन आना चाहिए, मतलब उसे नो वेंटिलेशन वाला इलाका बना दिया जाता है, हर जगह ऐसा होता है, ऐसा ही सेल में भी। मैं आपको समझाता हूँ, वैक्यूल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें स्टोर होती हैं, तिवारी सिर्फ नाम याद करना बेटा अभी के लिए, ठीक है, ये समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में यस, और ये होता है बिग। क्या एनिमल सेल में पाया जाता है, यस स्मॉल, बिग इन एडिपोसाइट्स, याद करो वो बचपन की बातें, बचपन की बात मेरी भूल नहीं जाना रही, आपको पढ़ाया था ना मैंने, एडिपोसाइट के अंदर फैट स्टोर होता है क्योंकि फैट एनर्जी रिजर्वायर की तरह काम करता है, तो इसका वैक्यूल पड़ा होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिग वैक्यूल इन एडिपोसाइट्स, अदरवाइज एनिमल सेल्स में स्टोर जो है स्मॉल होता है, ठीक है। और इसका मेन काम है स्टोरेज बैग वाला, स्टोरेज सैक या फिर बैग, एक ऐसा थैला है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। मैं आपको इसे स्क्रीन पर दिखाता हूँ, स्लाइड दिखा दूंगा, चिंता मत करो, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। देखो दोस्त, आपको क्या बीच में ये दिख रहा है ब्लू कलर का वैक्यूल, जो भी चीजें ऐसी हैं जो सेल के अंदर काम की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना प्लांट की जिंदगी तो बनाने में निकली है और हमारी जिंदगी खाने में निकली है, भाई प्लांट ने जन्म लिया है बनाने के लिए और हमने जन्म लिया खाने के लिए, सही बात है ना, वो प्रोड्यूसर है हम कंज्यूमर है, तो वो बेचारा बना बना के यहाँ रखे जाएगा और हम जो है इस पे जो है मोमोज वाली चटनी डाल के खाते रहेंगे। यानी हमारी बॉडी में वैक्यूल का कोई काम नहीं है, प्लांट की बॉडी में वैक्यूल का बहुत सारा काम है, जैसा आप यहाँ पर भी देखेंगे वैक्यूल बहुत बड़ा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे वैक्यूल बहुत बड़ा है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैक्यूल आपको दिखना चाहिए कहीं पर, हर बार होता है, इस बार भी होगा, ये रहा दिखा, गरीब सा छोटा सा साइड में पड़ा है उदास, ठीक है, यानी है लेकिन छोटा है, अगर आपसे कोई पूछे है नहीं है तो आप कहेंगे जी है स्मॉल, मल्टीपल हो सकते जी। अब
इन केस ऑफ प्लांट सेल्स वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम. सिर्फ दो स्लाइड और बनवाऊंगा उसके बाद ब्रेक दे दूंगा. सैक SAC सैक और बैग एक ही बात होती है शाम. आप धीरे धीरे शब्दों को सीख लें इसी वजह से ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं. अब बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ये पेपर पूछ चुका है. टोनोप्लास्ट और वैक्यूल में क्या भरा होता है. वैक्यूल इज फिल्ड विद एक लिक्विड जैसा भरा होता है जिसे सेल सैप कहते हैं. और फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का काम क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टोरेज, जो मिल जाए स्टोर कर दो. और दूसरे नंबर पे प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. प्रोवाइड्स rigidity to the cell, simple fashion. ये rigidity कैसे provide करता है. आपके पास आपका school bag है जो खाली पड़ा है, वो बेचारा ऐसे ही दब जाएगा कहीं पर भी, उसे आप मोड़ कर रख सकते हो. अब आपने उसके अंदर एक basketball रख दी. अब आपको नहीं लगता उसकी structure को rigidity मिल गई, अब वो नहीं दब सकता नहीं मोड़ सकता. ठीक वैसे ही cell है, cell के अंदर अगर vacuole है तो उसकी shape एक firm हो गई. Yes Priya, cell sap is the fluid. ठीक है जी, आप रिजिडिटी के साथ टर्जिडिटी भी लिख सकते हैं. ये भी लिख देता हूँ एंड टर्जिडिटी. इसका मतलब क्या होता है, इसकी वजह से सेल फूल जाता है. अगेन आप उसी बैग को इमेजिन करो जिसमें बास्केटबॉल डाली गई है. एक तो वो ठोस हो गया है, एक वो फूल गया है. दबा दबा नहीं है, फूला फूला सा है. समझ पा रहे हैं ना, यानी गुब्बारे जैसा बन गया है बिकॉज ऑफ दिस. देखो ऐसे ही शब्द सीखोगे. आप सोच रहे हो कि मैं घोट के वो एक ही पेज पे जो 100 वर्ड 50 वर्ड लिखे मैं सीख जाऊंगा. नहीं सीखोगे. धीरे धीरे रोज के 5-7 वर्ड दिमाग में जाएंगे तभी आप रिटेन कर पाओगे. चलें जी आगे. ब्रेक से पहले की एक और स्लाइड. रिजिडिटी की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही कहा आपने, मैं इसे सही कर देता हूँ. नो नो, इट इज नॉट वेस्ट, इट कैन बी यूजफुल ऑल्सो प्रिया, इट कैन बी टॉक्सिन्स ऑल्सो. लाइक इट इज ओपन एंडेड, उसमें कुछ भी हो सकता है. मे बी समथिंग यूजफुल, मे बी समथिंग नॉट सो यूजफुल. ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते. अब आते हैं जी गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस. गोल्जी ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अरे दे देंगे बुरे. गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज ये क्या है. 10 मिनट का नहीं, आपको मैं 10 घंटे का ब्रेक दे देता हूँ. बची हुई क्लास सुबह देख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं. ऐसे होगा सिलेक्शन, पढ़ाई कर लीजिए. गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज, ध्यान से बात को समझिए. देखिए सिलेक्शन के बीच में अगर आप खुद भी आएंगे मैं आपको नहीं आने दूंगा, साफ बात ऐसे ही होना. एक्सटेंसिव नेटवर्क फाउंड नियर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. फोकस करें क्लास में, आसानी से बहे ना, जो नहीं कहना वो कहे ना. फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ प्लांट सेल्स. एक्सटेंसिव नेटवर्क फाउंड नियर न्यूक्लियस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. एक्सटेंसिव ये
यस तमन्ना, जस्ट वेट अ मिनट। गोल्जी बॉडी क्यों है, गोल्जी का मतलब क्या होता है? एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसकी खोज करी है और उन्हीं के नाम पे जो है ये रखा गया है। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये एनिमल सेल में तो पाई जाती है भर भर के। आप अगर डायग्राम ध्यान से देखेंगे, अभी स्लाइड दिखा दूंगा, तो आपको ये देखने को मिल रही होगी न्यूक्लियस के नीचे की तरफ। स्लाइड दिखा दूंगा, बबली चिंता मत करो, अभी के लिए इधर फोकस करो। ज्यादा सारी है गोल्जी एपरेटस अगर आप देख पा रहे हैं। बट अगर मैं प्लांट सेल के पास चलूं, तो इसमें आपको कहीं दिख रही है क्या? ये रहे। और इसी तरीके आपको इसमें दिख रही है क्या? ये रहे। एक्चुअली क्या होता है, ये प्लांट सेल में थोड़ी ज्यादा स्कैटर्ड होती है, थोड़ा सा शायद आप यहाँ छोटे छोटे दाने भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ज्यादा फैली हुई होती है, अपने को बस इतनी बात पकड़नी है। प्लांट सेल में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एनिमल सेल में थोड़ी सी पास होती है। सब लिखाऊंगा, उसको चिंता मत करो। तो क्या कहानी है, समझने की कोशिश करते हैं। इन प्लांट सेल्स इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स। और इसका जो काम होता है वो भी बताता हूं अगले पेज पे। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। आपने कभी गाड़ी बनती हुई देखी है? नहीं देखी, मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी जैसे भी बनती होगी, उसमें क्या होता था, छोटे छोटे पार्ट्स अलग जगह बनते होंगे और एक असेंबली लाइन होती होगी जहां पर वो पार्ट्स जो है चेसिस से जुड़ते होंगे, जैसे शाजी, चेसिस, चेजी, चेसी, अलग अलग तरीके प्रोनाउंस करा जाता है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें, चेसिस का मतलब सिंपली उसका ढांचा जिससे वो आके चिपकती होगी और एंड में गाड़ी बन जाती होगी। ये वही असेंबली एरिया है जहां पर सेल को जो जो चीज की नीड है उसे बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी आपको अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वो सब चीजें बन रही हैं जो कि सेल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए नीडेड है। अगले पेज पे लिख देता हूं। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आप इसे कह सकते हैं, एक ही बात है। असेंबली एरिया फॉर अदर सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लाइजोसोम्स। असेंबली एरिया के मतलब आगे अंदर सब कुछ आ गया, ये असेंबल करेगा, पैक करेगा, भेजेगा, मतलब सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया। यहाँ पर सेल चैप्टर में कंक्लूड करता हूँ। अगला चैप्टर जो है उसे पढ़ाने से पहले आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, इससे ज्यादा ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है। ये क्लास आपकी 12 बजे तक चलेगी प्रगति, ठीक है, तभी तो होगी हमारी प्रगति। आपको 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। हेडिंग इसलिए डाल रहा हूँ कहीं आपको लगे क्लास ओवर हो गई, बल्ले बल्ले शावा शावा करने लग जाए। न्यूट्रिशन चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। 3 मिनट का ब्रेक ले लेना, ये 1 मिनट में क्या करोगे, इनो पियोगे क्या अलग से, ले लो भैया 3 मिनट ले लो, रोने की कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। आपका जो चैट बॉक्स है उसे मैं ऑफ कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आपकी प्यारी प्यारी उंगलियों को भी आराम मिल सके, ठीक है। और हम मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद, आप सेशन में बने रहिए। 2 मिनट का ब्रेक है, लिख देता हूँ कहीं आपको लगे लैग, नहीं भैया 3 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, सेशन में बने रहिए। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी का वास्ता पर ही। 3 मिनट से भी हल्का ऊपर ही हो गया होगा ब्रेक, आई होप अब आपका माइंड फ्रेश है पूरी क्लास को लगाने के लिए, ठीक है जी। शुरू करते हैं चैप्टर, और काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, पेपर के लिए काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल इसे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, इसमें हम सारे वाइटामिन पढ़ेंगे, इसमें हम उनकी जो डिफिशियंसी डिजीजेज वो पढ़ेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारा पोर्शन प्रोटीन वाला, ये मैरासमस क्या होता है, पोशर क्या होता है, बहुत कुछ जो है हम पढ़ेंगे, यस श्याम, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसे पढ़िए और मन से पढ़िए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को इस क्लास से मिलेगा, ठीक है, शुरू करते हैं। अब आप में से ईमानदारी से बताइएगा, वो कौन कौन है जिसे पता है होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में?
बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक ये नहीं पढ़ाया, मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, नहीं पता, ठीक है, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपने देखा कि कभी कभार क्या होता है ना, ये मैं अपने लिए भी एज अ चैलेंज लेता हूँ, हर बार कोर्स में मैं कुछ डेटा नया ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं आपको कुछ बढ़िया सिखा सकूँ। तो अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा होलोजोइक क्या होता है। अब आपकी पता एक गलती है, वो गलती मैं बताऊँ, क्या अब आप लोग गूगल करने लगते हैं। जब मैंने आपको बताया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या ये गलत बात नहीं, आपको समय के साथ से चलना चाहिए, है ना, आराम आराम से। अभी आप जो है सोच रहे हैं कि मैं गूगल करके अभी कोई ज्ञानी बन जाऊंगा, अब आप ज्ञानी बन के भी कुछ नहीं होगा, है ना, अब तो आप आराम से पहले सीख लीजिए, उसके बाद आराम से छापते रहिएगा गूगल से, ठीक है जी। जो बच्चा बुकमार्क करना चाह रहा था वो कर सकता है। क्यों का आंसर तो दिशा मेरे पास नहीं है बेटा, जिंदगी का काफी सारे क्यों का जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चलो फोकस करते हैं, अब हेडिंग डाल रहा हूँ न्यूट्रिशन, बात को बड़े ही ध्यान से समझ। इस बार पिछली बार से ज्यादा डेटा मैं आपको इसमें पढ़ा, ठीक है, समझिए। न्यूट्रिशन टोटल दो चीजों में हम पढ़ सकते हैं क्या, क्या प्लांट का न्यूट्रिशन भी ऊपर ऊपर से देख लें, आधा मिनट लगेगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, दो तरीके में हम पढ़ सकते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन और एक एनिमल न्यूट्रिशन। सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिशन देखिए, प्लांट में मैक्सिमम प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, आपको पता है, या तो इनका फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि सेल्फ अपना खाना खुद बनाना, मेक फूड इंटरनली, यानी इनकी बॉडी के अंदर ही खाना बनेगा और उसे ये कंज्यूम भी करेंगे और इतना ज्यादा बनाएंगे कि दुनिया भी उसके ऊपर सर्वाइव कर सके, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन आप समझ गए, ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। और इसी तरीके दूसरे नंबर पे आते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, ये भी कोई प्लांट्स होते हैं क्या? हम जनरली कहते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ये कौन से प्लांट आ रहे हैं? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, सी फंगस इज नॉट प्लांट, फंगस इज नॉट प्लांट, यस निशान, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। अगले पेज पे लिखा, अरे वो क्लासिक एग्जांपल्स ना, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को पकड़कर अपने अंदर कैद कर लेते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी को गलाकर उनसे नाइट्रोजन वगैरह जो इन्हें चाहिए होती है निकाल लेते हैं। अगले पेज पे लिखता, एग्जांपल्स नहीं, मशरूम इज नॉट प्लांट रूपेश, मशरूम तो फंगस हो गया, आप समझो फंगस एक अलग किंगडम है, प्लांट एक अलग किंगडम है, मिक्सअप नहीं करना अपने को। एग्जाम्पल्स वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आपने देखा होगा, एक बोल इस तरीके का सा होता है, ये इसके अंदर चिड़िया गिर गई या छोटे कोई चूहा वगैरह गिर गया तो ये उसे खत्म कर देता है, इतना ज्यादा अंदर से जो स्लिपरी होता है कि वो जो चीज गिर गई वो बाहर नहीं आ पाती, इसके अंदर लिक्विड होता है वो उसे मतलब चिपका लेता है अपने साथ। इसी तरीके पिचर प्लांट, मतलब कई सारे होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप तो एक्चुअली दूसरे वाला होता है, मैंने पिचर प्लांट का डायग्राम बना दिया था आपके सामने पहले। एक और होता है जो मतलब दो लीफ जैसे होते हैं, उसके छोटे छोटे दांत होते हैं, वो बंद हो जाता है। आप एक काम कर रहे हैं, इन सभी नामों को एक बार इंटरनेट पे लिख देना, फोटोज अभी मैं लाया नहीं हूं, आप एक एक बार लिखेंगे आप फोटो जो है देख लेंगे, ठीक है। एक और होता है रफलेशिया, और भी ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है जी। और रफलेशिया जो है, दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, कैन ब्लूम अप टू 3 feet, जनरली नो आदित्य, कई लोग तो अपने गार्डन वगैरह में इन्हें लगाते हैं आदित्य, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 3 feet बहुत हो गया, नहीं बेटा डाउट नहीं लूंगा, स्टबन नहीं सॉरी, हाँ स्टबन ही है नाम, ठीक है नाम बाद में लिखता है, एक दो सेकंड, ठीक है साहब चले आगे। आपको मैंने प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, इसमें इतना ही है, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल
एनिमल न्यूट्रिशन को हम तोड़ सकते हैं टोटल मेन मेन तीन हिस्सों में। वो तीन हिस्से कौन से हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये हो सकता है होलोजोइक, ये हो सकता है सैप्रोजोइक और ये हो सकता है पैरासिटिक। अब आपको समझ आ जाएगा खुद ही। होता है ना कई बार एक बच्चा दिखा शादी पार्टी में, नहीं पहचान में, फिर अरे दिखा रहे तो मामा का ही बेटा अपने, क्योंकि मामा मामी दिख गए। अब आपने पैरासिटिक देख लिया, सैप्रोजोइक देख लिया, तो होलोजोइक की डेफिनेशन दिमाग में बन जाएगी। देखिए हम जो एनिमल्स होते हैं तीन तरीके जो है अपनी बॉडी को चला सकते हैं। खाने को उठाया और खा लिया, जैसे नाशपाती इस समय बड़ी महंगी हो रही है, बाजार गए खरीदी खा ली, ये है होलोजोइक। होलोजोइक में आप क्या करते हैं, सामान को उठाते हैं और खा लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे, फिर उसका जो होगा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सैप्रोजोइक, अभी सबकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, चिंता मत करना। ये जो गली सड़ी चीजें होती हैं उसके ऊपर फीड करते हैं छोटे छोटे जीव जंतु, ठीक है। पैरासिटिक में क्या होता है कि जीवित ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करता है, जैसे कि जुएं जो पाई जाती हैं, लीच है, या ऐसी बहुत सारी चीजें। क्या आपको तीनों में फर्क समझ आया? अब आप नोटिस करोगे जो सबसे अजीब नाम है वही सबसे कॉमन है। भाई पैरासिटिक और सैप्रोजोइक थोड़ा तुक्का मार सकते हैं, बट होलोजोइक कभी सुना ही नहीं क्योंकि कहीं पढ़ा नहीं, जबकि है बड़ा सिंपल। तो मैं अब आपको एक एक करके इसे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले होलोजोइक, होलोजोइक में बेसिकली हम एनगल्फ करते हैं किसी चीज को, ऑर्गेनिज्म विल एनगल्फ, एनगल्फ करना मतलब अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, उसके बाद उसे वो डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है द फूड इन बॉडी, ठीक है। अब होलोजोइक एनिमल्स तीन तरीके के होते हैं, ए हर्बीवोर्स दैट eat plants only, example cow, carnivores that eat other animals, tiger, lion, etc. omnivores, omnivores that eat animals as well as plants, जैसे कि ह्यूमन बींग्स वगैरह इसके अंदर आ सकते। अभी क्लास चलेगी करीब 20-25 मिनट, तो थोड़ा सा फोकस बनाए रखिएगा। नो दिशा, सोचो क्यों? बिकॉज अमीबा इज अ प्रोटोजोआ और हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स जो कि अलग किंगडम। एनालॉजी के रूप में यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, जरा फेगोसाइटोसिस की या फिर स्यूडोपोडिया का मूवमेंट, इन सब की बात कर रहे होंगे, बट समझने के लिए मान सकते हैं, बट है नहीं। दूसरे नंबर पे है, मैं देख लेता हूँ मैंने क्या लिखा, सैप्रोजोइक लिखा, सैप्रोजोइक एनिमल फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर और तीसरे नंबर पे आ जाएगा अपना पैरासिटिक। लिव एनिमल्स या एनिमल लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग इज द की वर्ड, कीप इन माइंड ऑर्गेनिज्म। फर्क पहचानने के लिए कि वो टू है या थ्री है, सैप्रोजोइक है पैरासिटिक है, लिविंग है तो पैरासिटिक और डेड है तो सैप्रो। यस कपिल मान सकते हैं, एक्चुअली पूरे तरीके नहीं कपिल, बिकॉज वो ना कार्निवोर्स में भी आ सकता है। ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये आपके जो है सैप्रोजोइक में मेनली आते हैं। होलोजोइक देखिए फटाफट, जैसे कि प्रिया कुछ वॉर्म्स होते हैं, सुना होगा ना, कीड़े हो जाते हैं पेट में, देसी भाषा में बोल रहा हूँ जिससे आप एक ही लाइन में समझ जाओ। तो वो क्या कर रहे हैं, पेट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। एक जीवित इंसान के अंदर एक जीवित चीज, जान में जान आ गई, ऐसी जान नहीं चाहिए अपने को, तो वो क्या कर रहे हैं, लिविंग चीज दूसरी लिविंग चीज के अंदर सर्वाइव कर रही है। पैरासिटिक इज एनिमल लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बस अब ऐसा समझिए
डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, सेकेंड वाला पॉइंट बता देता हूँ अभी दोबारा, डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ये हो गया पैरासाइट, और ऑन होम इट इज डिपेंडेंट, होस्ट, क्योंकि ये दावत दे रहा है ऐसे तो कहते हैं इस पार्टी का होस्ट कौन है, ये दावत दे रहा है तो इसलिए होस्ट है। अमित समझने के लिए यस। सेकंड पॉइंट सेप्रोजोइक का मतलब, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई पशु मर गया उस मेन मेन जो पार्टी है वो तो बाकी जीवों ने कर ली, शेर ने, उसके बाद मान लेते कीटों ने, उसके बाद भी जो बच गया है उस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एक्ट करते हैं, वो डेड और डिकिंग मैटर पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो सेप्रोजोइक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फूड साइकिल या फूड चेन को चलाने के लिए, बिकॉज अगर ये नहीं होंगे तो गंदगी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको न्यूट्रिशन में फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हेडिंग डाल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय एनिमल्स, हम देखिए एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे वही विटामिन वगैरह सब चीजें पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स को देखिए दो तरीके में हम तोड़ सकते हैं, दो हिस्सों में, एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। डिकेइंग मतलब जो गल सड़ गया है, जो डिके हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखिए सिंपल भाषा में जिसमें कार्बन है या कुछ सिमिलर चीज है वो ऑर्गेनिक, और बाकी इनऑर्गेनिक, यानी वाटर और मिनरल्स आते हैं इस साइड, और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स भी आते हैं इस साइड। नहीं क्वेश्चन टाइप बेटा नहीं खोलूंगा इस क्लास में, थोड़ा एक्सेप्शन बना लिया है मैंने इस क्लास के लिए, रीजन बीइंग जनरली हर क्लास में खोला है तो ऐसा कोई कलेक्शन ऑफ डाउट्स नहीं है, पिछली क्लास में सारे क्लियर कर दिए थे, अगली क्लास में भी सारे क्लियर कर दूंगा। मैं चाह रहा था ये टॉपिक एक बार आपको अच्छे से मैं पढ़ा देता, इसलिए ये थोड़ी लंबी क्लास ली। आप समझ पा रहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फर्क। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में पढ़ूंगा दोस्तों, शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, नोट कर लीजिए, ओके श्रेया सी, इन शॉर्ट आई कैन एक्सप्लेन यू नाउ, जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। जैसे कि मार्केट में कई तरीके की स्कूटियाँ आती हैं, उसमें एक्टिवा अलग चीज़ से बनी है, और पेप अलग चीज़ से बनी है, और ये ओला S1 S2 जो भी है ये अलग चीज़ से बनी है। यानी कहने को वो सब स्कूटी है लेकिन उनका मटेरियल सिमिलर है, सेम नहीं है। इसी तरीके एल्गी का काम करने का तरीका फंगस के काम करने के तरीके से और प्लांट से अलग है, इसी वजह से जो उनकी बाउंड्री है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं उसका मटेरियल अलग अलग है, और ये हमने पाया है जब हमने माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करी। वैभव करीब दो क्लासेस और अभी ऐड होंगी, वो मैं ऐड करा दूंगा समय के साथ, ठीक है। इस महीने में बायो पूरी हो जाएगी, होपफुली एंशिएंट भी पूरी हो जाएगी। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो का मतलब कार्बन तो होगा, हाइड्रेटेड रहो मतलब पानी पियो, पानी में पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाएगा ही जाएगा, और यस श्रेया, और जनरली इनका जो रेशियो होता है, इसे मैं सी से, इसे मैं एच से, इसे मैं ओ से लिख सकता हूँ, जनरली इट इज 1:2:1 जनरली। देर मे बी सम एक्सेप्शन बट अगेन इट वुड बी वेरी क्लोज टू 1:2:1 C6H12O6। मैं तो जीके का टीचर हूँ, आप मैथ्स के हो निकाल के देखो, वही आना चाहिए C12H22O11। एग्जैक्ट नहीं आएगा बट इट वुड बी वेरी क्लोज। ये है शुगर और ये है ग्लूकोज। अभी मैं सुक्रोज वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, सही समय आएगा तो कर लूंगा। ये पेपर पूछ चुका है जी ये कहानी, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार, ये भी पूछ चुका है। चलें आगे, देखिए पढ़ाना एक कला है,
तो कई बार क्या होता है, टीचर बड़ी अलग अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है दिमाग में डेटा डालने के बच्चे के। मैं उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल क्लास में करता हूँ। मैंने सुक्रोज बोल के मना कर दिया, अब आपका फोकस सुक्रोज पे चला गया। कई बच्चों ने तो नोट भी कर लिया कि क्या पता आगे पढ़ाए भी ना पढ़ाए, एटलीस्ट वो दिमाग में चला गया पर्पज फुलफिल्ड। जबकि मैं पढ़ाऊंगा तो चिंता मत करो। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? देखो दो तरीके की एनर्जी होती है, ध्यान से समझना फिर उसके बाद कहानी लिखना। एक तो होती है इंस्टेंट एनर्जी, एक होती है लॉन्ग टर्म एनर्जी। दोनों में फर्क है। जैसे कि आप लोग एस्पिरेंट के जीवन में प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इंस्टेंट एनर्जी वाले लोग हो, लॉन्ग टर्म एनर्जी वाले लोग नहीं। आपकी तैयारी जो है एकदम ऊपर जाती है और एकदम नीचे आ जाती है। ऐसा नहीं है कि तैयारी चली रही है चली रही है चल रही है। यानी अगर आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उस केस में आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए उस केस में आपको यूज़ करना चाहिए फैट। लेकिन अगर आपकी बॉडी को बिल्ड करना है सान्या तो उस केस में यूज़ करना है प्रोटीन। तीन अलग अलग बातें। अगर लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए रिजर्वॉयर बनाना है तो है फैट, अगर इंस्टेंट तो है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरे नंबर पे अगर आपकी बॉडी को बिल्ड करना है तो है प्रोटीन। अब जैसा निकिता ने कहा कि तीनों खाएंगे, दिस इज़ दी परफेक्ट वे, तीनों खाने हैं और इसी को बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है। आपकी प्लेट का 50% शुड बी फाइबर, दैट इज सैलड। बचा हुआ 50% के अंदर आप जो है थोड़ा चावल, एक दो रोटी और दाल वगैरह खा सकते हैं। आपका छोड़िए, मैं नहीं इस बात को मानता, मेरे बस की नहीं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ जीवन में और मुझे ढंग से खाना खाना है, चाहे मैं एक दो साल कम भी करूँ। मैं जानता हूँ ये गलत बात है, बट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, दुनिया बख्शेगी नहीं हमें, तो थोड़े बहुत पाप हम करते रहते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, एक इंसान बुरे तरीके थक गया, आपके हिसाब से उसकी बॉडी को हमें ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए या फिर उसे फैट देना चाहिए? थक चुका है वो जीवन से, उसे हमें कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए बिकॉज हमारे को उसकी बॉडी को जल्दी से जगाना है। हम ऐसा, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कभी कोई बीमार होता है तो उसे ग्लूकोज चढ़ा देते हैं और उस ग्लूकोज में इंजेक्शन को डालते रहते हैं जिससे वो उसकी बॉडी में आराम आराम से जाता रहे। कभी ऐसा देखा कि अमूल का मक्खन चढ़ाया जा रहा है? नहीं, कहने को तो उसमें फैट है, तो फैट तो उसे इतना शक्तिशाली कर देगा अस्पताल को लेकर घूमेगा वो गली में। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज फैट इज़ अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, वो धीरे 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 कंज्यूम होता है इन केस यू वर्क हार्ड, और उसके बाद जो है आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है जी, अभी भी आप जो है अस्पताल को लेकर घूमने वाली बात करते हैं, मैं जानता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट का बेस मैंने बना दिया है, अब जो है मैं आपको उसके पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। टू प्रोवाइड एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। आपने टीवी में ग्लूकोन डी वगैरह की एड भी देखी होगी कि एक बच्चा और एक बच्ची स्कूल जा रहे हैं, पीले रंग की बस आ गई है और सन भाई जो है उनके दोनों के सर में पाइप लगा के जो है उनके शरीर में से एनर्जी चूस रहे हैं। मतलब सन को और कोई काम नहीं है, मतलब मजाक चल रहा है क्या? खैर कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्ची होती है वो फटाफट से ग्लूकोन डी पी लेती है, बच्चा बेचारा बेवकूफ़ होता है हमारी तरफ, तो बच्चा तो पीता नहीं, वो भागा चला जाता है, तो बच्ची बस में चढ़ जाती है, बच्चा बेचारा पीछे रह जाता है। तो वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ग्लूकोन डी खरीद लो। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज पीने से फटाफट से आपको एनर्जी आ जाएगी। इनका फंक्शन या यूज ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी। ग्लाइकोजन लॉन्ग टर्म गैस, अभिषेक यू कैन से इट लाइक दैट। टोटल एनर्जी कैपेसिटी पर डे ह्यूमन बॉडी नीड्स 350 to 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अरे भाई पढ़ लो, जो कीले बन के क्या करोगे? डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन बकल कैविटी।
एक्चुअली प्रशांत, आप कभी जैसे कहीं जाएं दुकान पे तो वो बॉटल आप उठा के उसे रीड करना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और साथ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारी जो मसल्स वगैरह हैं उन्हें स्मूदन करते हैं और उससे क्रैम्प्स आने के चांस कम हो जाते हैं, और साथ में कार्बोहाइड्रेट होता है तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। मैं खोल देता हूँ हिमांशु, डाउट में किसी का नहीं लूंगा, तो मेहनत मत करिएगा। बिल्कुल आपने बबली सही लिखा है, शुगर पेशेंट के लिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नुकसानदायक है। तो जिन्हें शुगर होता है ना, उन्हें कहा जाता है कि आप छोटे छोटे मील्स लो, जैसे कि आप एक साथ चार रोटी मत खाओ, आप अभी एक रोटी खा लो, थोड़ा सा दाल खा लो, एक डेढ़ दो घंटे रुक के आप और कुछ खा लेना। उनकी डाइट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। इसी तरीके जिनका गॉल ब्लैडर निकला होता है उन्हें भी यही सजेशन दिया जाता है कि आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में अचानक बहुत ज्यादा बाइल जूस की नीड ना पड़े। ये जो भी डेटा लिखा जा रहा है ये एक आम इंसान के लिए लिखा जा रहा है, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या टाइप्स है। क्लास 15 मिनट के आसपास और चलेगी, क्लास आपकी खत्म हो जाएगी 12:10 पे। आप थोड़ा सा रो सकते हैं और उसके बाद नोट्स बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है जी। मोनो, डाई और पॉली, आपके हिसाब से कुछ नाम से आप समझ पाए क्या होगा मोनो का मतलब, डाई का मतलब, पॉली का मतलब? इजी हो गया वैसे तो, सैकराइड की स्पेलिंग मैंने सही लिखे, हाँ बिल्कुल सही लिखे, ठीक है। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, पॉली का मतलब मैनी, यानी इसके अंदर वन यूनिट पाई जाएगी किसी चीज की। क्या चीज है बता दूंगा, इसके अंदर दो यूनिट पाई जाएगी, इसके अंदर मैनी यूनिट्स पाई जाएगी। जैसे कि मोनोसैकेराइड के अंदर एक यूनिट है, लेकिन वो लाल रंग की भी हो सकती है, वो काली रंग की भी हो सकती है, और वो नीले रंग की भी हो सकती है। इसी तरीके अगर डाइसैकेराइड में दो यूनिट है तो हो सकता है ये लाल और नीले को मिलाकर बनी हो सकता है ये लाल और काले को मिलाकर बनी हो, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि ये दो नीलों को मिलाकर बनी हो? क्या ये डाइसैकेराइड में काउंट होगा? आंसर इज यस, क्योंकि दो यूनिट है, किसी की भी हो सकती है। इसका भी अभी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और पॉलीसैकेराइड का सिंपल सा मतलब है भाई इसके अंदर लाल, काला, नीला, पीला सब कुछ हो सकता है, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है, ठीक है जी। देखिए पढ़ लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को एक सेकंड लगना है क्लास एंड करने में। सिलेक्शन आपका लेट हो रहा है, मेरा नहीं, मेरा तो हो चुका, बाबा आदम के ज़माने में ले लिया था मैंने सिलेक्शन। अब पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है, विश्वास मानिए, ठीक है। मोनो, डाई, पॉली आप समझ गए, सपने आपके कैसे हैं और मेहनत आपकी कैसी है, एक बार सोचिएगा इस बारे में। आई नो यू वुड हैव सम एक्सक्यूज कि आप सुबह 4:45 भी उठे हैं, 8:45 तक आप लगातार पढ़े थे, मैं जानता हूँ ये बात। हम कैसे बनाए इस कलर को, आप मत बनाइए, आप ऐसे बना लीजिए, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, एक गोला, ऐसे करके बना लीजिए और यहाँ पर आप ऐसे बना लीजिए। गो फॉर बायोलॉजी एंड इफ पॉसिबल ज्योग्राफी, जो जाना चाहे जा सकता है, मैं किसी को नहीं रोक रहा, आप भी खुद को मत रोकिए। मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनो एस का मतलब आप समझ गए हैं, एस का मतलब सिंपली सैकेराइड है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसलिए एस लगाया गया, एक बार लिख देता हूँ अगली बार नहीं लिखता। सिंगल यूनिट होगी, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज क्या इसके अंदर काउंट होगा? अब मैं आपको यहाँ पर जो बताऊंगा वो पहले ही बता देता हूँ, ये बताऊंगा क्या है, ये बताऊंगा कहाँ से मिलता है, और एक आध बात और बता दूंगा। ऐसे करके मैं आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बताऊंगा और उसके बाद आपको गुड नाइट कहना। नहीं दीपक, 40+ स्कोर जीके के मेरे किसी कोर्स को लगाकर मैं आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता। आई कैन नेवर से कि मेरे कोर्स को लगा लो 40+ आ जाएगा, आई एम नॉट दैट पर्सन। अगर ऐसी कोई गारंटी दे तो उसका कोर्स कभी मत लगाना। रीजनिंग की बात करो तो लगा लो आ जाएगा, ये लिख दिया करो किस चीज़ का। देखो जीके की क्लास चल रही है, जीके में मैं ऐसी गारंटी नहीं लेता, बाकी सब में लेता हूँ, जिस दिन इंग्लिश पढ़ाऊंगा उसमें भी ले लूंगा। ग्लूकोज इज C6H12O6, नो आकांक्षा, C6H12O6, ठीक है। और इसके सोर्स क्या होते हैं, क्या फ्रूट्स से मिलता है ये? अरे बिल्कुल, भर भर के मिलता है, सुबह ही जो है मैंने वाटरमेलन खाया। क्या वेजिटेबल से मिलता है? जी हाँ मिलता है। ये कहाँ पे पाया जाता है हमारी बॉडी में? फाउंड इन
क्या ये हमारी बॉडी के ब्लड में होता है? अभी शायद अभिषेक ने लिखा था ना, क्या हम ग्लाइकोजन को लॉन्ग टर्म मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि ब्लड में ग्लाइकोजन डायरेक्टली नहीं पाया जाता, ब्लड में तो ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, फंक्शन इंस्टेंट एनर्जी देना। इंस्टेंट एनर्जी के लिए सबसे अच्छा सोर्स यही, फॉर्मूला बता दिया, सोर्स बता दिया, कहाँ पाया जाता है बता दिया, और फंक्शन बता दिया। सब बताता हूँ दिव्यांश अगले पेज पे। दूसरे नंबर पे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में सटीक बात ध्यान रखना, सटीक बात, इट इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा स्वीट फ्रूट्स दिख जाए वहां पर ये पाया जाएगा। इसका मतलब कई सारे फलों के अंदर जो है फ्रक्टोज भी होगा, ग्लूकोज भी होगा। अभी मैं आपको मोनोसैकेराइड पढ़ा रहा हूँ, उसका पहला पॉइंट ग्लूकोज बताया है, दूसरा पॉइंट फ्रक्टोज, तीसरा पॉइंट कुछ और बता के पेन का कलर बदल दूंगा। आप सैक्रिन वगैरह को भी मत लेके आइए, मेरे साथ साथ चलिए, मिक्सअप हो जाएगा वरना आपके लिए। अभी हम सिर्फ मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है ये हनी के अंदर पाया जाता है। सी ऑल कार्बोहाइड्रेट्स मानशु गिव इंस्टेंट एनर्जी, बट उसके अंदर भी जो बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी है वो ग्लूकोज माना जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है कि ये नहीं माना जाएगा जैसा हिमांशु ने लिखा, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय डाइजेशन ऑफ सुक्रोज। यानी पहले मैं चीनी खाऊंगा, वो मेरी बॉडी में जाके टूटेगी, उसके अंदर से फ्रक्टोज मिलेगा। समझ गए हिमांशु क्यों ये इंस्टेंट नहीं है? ग्लूकोज रेडीमेड मार्केट में मिला, चम्मच डाला उसमें, पानी में घोला, पी गया, मिल गई एनर्जी। लेकिन ये जो है फलों से मिल सकता है डायरेक्टली, बट जनरली ये सुक्रोज के टूटने से मिलता है। मोनो का मतलब सिंगल पीस, यानी एक ही पार्टिकल है, C6H12O6 नाम का एक छोटा सा बॉल इमेजिन कीजिए, ये वो है। बाकी 5 से 7 मिनट रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे है गैलेक्टोज, जहां पर लैक्ट वर्ड दिख गया, जहां पर लैक्ट वर्ड दिख गया वहां पर मिल्क एसोसिएटेड बात होना ऑलमोस्ट तय, 99.99% केसेस में तय। 0.01 आपको पता ही है हमारा जो मसल फॉर मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, तो देखा जाए तो वहां पर मिल्क नहीं है, वो बस लैक्टिक एसिड बन गया है ना। तो गैलेक्टोज जो है ये हमें मिलता है मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड इट इज क्रिएटेड बाय डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्रिएटेड बाय डाइजेशन वगैरह सब समझा दूंगा सही समय आने पे। ये हमें मिलता है मिल्क में लैक्टोज। अभी 5 मिनट डाउट्स मत पूछिएगा, नोट कर लिया आपने? अभी मैंने आपको मोनोसैकेराइड पढ़ाया है, जिसके मैंने आपको 3 रिश्तेदार पढ़ाए। अगर आपने नोटिस करा हो तो मैंने यहाँ पे 3 ही अलग अलग रंग बनाए थे, जिसमें मैं अभी इसे ग्लूकोज, इसे फ्रक्टोज, इसे गैलेक्टोज मान लेता टाइम पास के लिए, क्या जाता, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड यानी वो चीजें जिसमें दो दो पार्टिकल पाए जाने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज इज टेबल शुगर। जो चीनी हम खाते हैं वो सुक्रोज है, देसी भाषा में। एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स चीजें भी हो सकती हैं, बट सिंपल भाषा में एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीनी हम खाते हैं वो सुक्रोज है। और एक सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज पाया जाता है। यानी रुकिए, सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये ध्यान रखिएगा। और इसका सोर्स क्या है, शुगर केन। शुगर केन के साथ जैगरी भी मान सकते हैं। जैगरी आप समझ गए ना क्या है, गुड़। अब शुगर केन यानी गन्ने से जैगरी बनती है, जैगरी से शुगर बनती है, वो बिल्कुल अलग चीज है दिशा, वो यहाँ पर अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। आप एक बार उसे इंटरनेट पर सर्च करिएगा, उसमें कुछ चीजें हटा दी जाती हैं जो आपके इंसुलिन के सीक्रेशन को इम्पैक्ट करती हैं या फिर आपकी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। मतलब यही है, बट कुछ हटा दिया गया है उसमें से। यानी अगर ये सुक्रोज का एक पैकेट है तो इसमें ये ग्लूकोज हो गया और ये फ्रक्टोज हो गया, आप समझ पाए।
अब अगर आप पैटर्न पकड़ गए हैं तो मेरा काम काफ़ी आसान है। दूसरे नंबर पे है जी लैक्टोज। अब लैक्टोज मिलेगा सोर्स है इसका मिल्क। तभी आपने देखा होगा जो मिल्क के डब्बे आते हैं छोटे बच्चों के या कुछ भी, उसमें लैक्टोजन लैक्टोटैक्स ऐसे करके नाम आते हैं। अधिकतर जगह आपको लैक्टोवर्ड दिखेगा बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि ये मिल्क सोर्स है मिल्क और लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तीसरे नंबर पे है माल्टोस। इसका सोर्स है ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम काजू वगैरह आलमंड कैश्यू। अभी बता देता हूँ। और माल्टोस में पाया जाता है ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। यानी आपने एक पता नहीं अब आता नहीं आता बचपन में एक जो है जैसे बूस्ट वगैरह आता है ऐसे एक माल्टोवा नाम का पता नहीं ऐसा कुछ सिमिलर नाम होता था वो आता था। तो वो माल्टोवा जो वर्ड है वो यहीं से बेसिकली उठाया गया था शायद नेस्ले का होगा आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ये कहना चाह रहे थे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जी हाँ दोनों ग्लूकोज है बिल्कुल सही। अब कमाल की बात आपको मैं एक बताता हूँ। देखो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है C6H12O6। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे C6H12O6 और गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे C6H12O6। यानी फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर अलग अलग है। वो स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। Why? Because it is not important for SSC. Nikita? अब यहाँ पर मैं आपको अगर ये बताऊंगा कि गैलेक्टोज बिल्कुल ग्लूकोज जैसे बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अलग है तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा बिकॉज SSC पूछता नहीं तो पढ़ाया नहीं जाएगा। सिंपल ऐसा। क्या आपको डाइसैक्राइड्स तीनों समझ में आ गए? क्या आपको ये समझ आया कि जो मैंने बिंदिया बनाई थी एक ही रंग की क्यों बनाई थी? यहाँ पर दोनों सेम रंग की, यहाँ पर एक, क्योंकि मैं पहले बहुत बार पढ़ा चुका तो इतना मुझे आइडिया है कि कहाँ पे क्या बनाना है। ठीक है आगे चलते हैं। डाइसैक्राइड होगा। अब हम कुछ बढ़िया बातें कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, फोकस करिएगा। पॉलीसैक्राइड, सबसे पहला स्टार्च है, इसका जो सोर्स है वो है राइस वीट मक्का मेज और ऐसे। जो आप खाना खाते हैं वो मेनली स्टार्च खाने के लिए, स्टार्च कंज्यूम करने के लिए खाते हैं बिकॉज ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। दूसरे नंबर पे आता है सेल्यूलोज। कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या स्टार्च ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है स्पेशल क्लास में, और बहुत बच्चों ने नो कह दिया था। वो गलत आंसर है बिकॉज ह्यूमन बॉडी कैन डाइजेस्ट स्टार्च, कर सकते हैं, बट सेल्यूलोज जो है ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। क्या एनिमल बॉडी कर सकती है? कैन डाइजेस्ट। स्टार्च जो है बबली वो फूड का हिस्सा है जो हम कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमारी बॉडी में एक चीज़ है अपेंडिक्स। आज से कुछ हजारों साल पहले या जब भी की बात मानो, कुछ भी अज्यूम कर लो नंबर, उस समय जब अपेंडिक्स प्रॉपरली काम करता था तब हमारी बॉडी सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। सेल्यूलोज का इस्तेमाल हमारी बॉडी में नहीं होता है, हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है जी, काफ़ी कुछ है हिमांशु, जैसे कि ग्लूटेन भी है, कई सारे प्रोटीन्स भी है, बट अगेन मैं अपने आप को सीमित करके चल रहा हूँ जो SSC पूछता है उससे। अब एक आखिरी बात, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपका पैक करा दिया है। मेरी घड़ी के हिसाब से 2 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड हुए। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स से क्या होता है? इससे होती है थकान, टायर्ड। अगर ये आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो आपको थकान हो जाएगी।
व्हाट एग्जैक्टली सेल्यूलोसिस? स्क्रूज, जूट आपने देखा है, जूट, कॉटन, बैम्बू, ये सब सेल्यूलोस, ठीक है। फटीग, बिल्कुल आप श्रेया कह सकते हैं, फटीग भी होगा। यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड होती है और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलूंगा मैं अगली क्लास में और उसके अंदर हम इसके आगे वाला पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिसे लग रहा है कि ये ज़्यादा पढ़ाई हो गई, आपको गलत लग रहा है, विश्वास मानिए आपसे ज़्यादा है, यानी ये 12, 12.5 से ज़्यादा 10वीं 9वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं है, विश्वास करिए। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो शायद आपने टारगेट बहुत छोटे बना लिए हैं या फिर आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया एसएससी के बारे में। इट इज़ नॉट दैट ईजी, ये पेपर आसान नहीं है क्लियर करना, ठीक है। तो इट इज़ लाइक नथिंग नॉर्मल, 2.5-2 घंटे का क्लास है और क्या बड़ी बात है, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना, मिलता हूँ आप सभी से आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, और मिलते हैं जी आने वाली क्लासेस में। थैंक यू जी। हाँ, ये मैंने भी देखा है, ये किसने भेजा है, हिमांशु ने भेजा है, और मुझे ऐसा लगता ना, दिस इज़ इनएविटेबल, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये तो बस ऐसे ही चलेगा। बिकॉज अब एक बार देखिए, जिस चीज़ की शुरुआत हो गई वो हो गई, कंप्यूटर दुनिया में आ गया तो आ ही गया, बाकी मस्त रहिए, खाइए पिए, मौज कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं आप सभी से, कल केमिस्ट्री की क्लास है और परसों जो है आपकी क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। श्याम, ये सिंपल भाषा में आप ऐसा मान सकते हैं। जी हाँ, मैंने न्यूज़ देखी थी जब ये आई थी, मैं शुरू में रखा, 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है, कमाली है, क्या कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।